नमस्कार, मैं आभाश्री डीएलएड कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का विषय संसाधन जुटाने में बच्चों व समुदाय की भूमिका है। आज वैश्विक मंच पर पर्यावरण ने केंद्रीय स्थान हासिल कर लिया है। यह अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप तय करने, नीतियों को प्रभावित करने तथा राष्ट्राध्यक्षों के भाग निर्माण करने में भी अहम भूमिका निभाता है। आंतरिक रूप से यह समस्त क्षेत्रों जैसे उद्योग से लेकर कृषि तक के एजेंडों में एक प्राथमिक मुद्दा बन चुका है। तमाम तरह की सरकारी नीतियों व शपथ के बावजूद पूरे विश्व में द्रुत गति से जैविक विविधता नष्ट हो रही है। इसलिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि इन मुद्दों को लेकर हम विद्यार्थियों के कौशल का विकास करें तथा पर्यावरण से संबंधित उनके ज्ञान की बुनियाद को और गहरा करें। पर्यावरण अध्ययन से व्यक्ति को समानता, समरूपता, क्रमबद्धता, नियमितता आदि महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों का बोध होता है, जिनके द्वारा वह प्रकृति में पाए जाने वाले सौंदर्य की अनुभूति करता है। विश्व पर्यावरण दिवस सबका है, सबके लिए है और सभी जगह है। अर्थात यह कहीं एक जगह पर मनाया जाने वाला दिवस नहीं है या किसी एक पर्टिकुलर स्थान के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है और सभी को मनाना चाहिए। और यह पर्यावरण दिवस जो 5 जून को पड़ता है, जो कि पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण अवसर है जब हम सकारात्मक पर्यावरणीय कार्यक्रम योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, आसपास के वातावरण को बचाने, साफ सुथरा करने, पेड़ लगाने, वन्य जीवों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना आदि विश्व पर्यावरण दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, यानी मनुष्य को प्रकृति से जोड़ना, विश्व पर्यावरण दिवस 2017 का विषय चुना गया है, जिससे प्रेरित होकर हम बाहर निकलें और प्रकृति की गोद में जाकर उसके सौंदर्य की सराहना करें तथा पर्यावरण के महत्व को समझें, धरती को बचाने की पुकार को समझें और इसके लिए खुद पहल करें। यह एक अजीब विडंबना है कि प्रकृति का हमारे जीवन में होने वाले महत्व का एहसास तभी होना शुरू हुआ जब हमारी क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप धरती व प्रकृति की दुर्दशा चरम सीमा पर पहुंच गई। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों में किसान, मछुआरे तथा शहरी आबादी वाले लोग हैं। आर्थिक वृद्धि ने पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमारी आबोहवा में, हमारे खान पान में, हमारी मिट्टी में जहर फैल चुका है। और सबसे चिंताजनक पहलू जलवायु परिवर्तन है। इसलिए हमें निरंकुश उपभोक्तावाद पर टीके विकास के इस मॉडल पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमें अपनी युवा पीढ़ी को अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों से अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आकर्षित करना चाहिए। साथ ही साथ हमें उन्हें आसपास के परिवेश में ले जाकर पर्यावरण पर हमारी क्रियाकलापों से पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दिखा सकते हैं, जैसे बेतरतीब फैला हुआ कूड़ा, जोर से बेवजह बजने वाले हॉर्न से उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न वायु प्रदूषण आदि। आजकल टीवी व इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने आसपास घटने वाली हर प्राकृतिक आपदा की सूचना मिल जाती है, जैसे दुनिया के किस कोने में बाढ़ आई है, किस कोने में सूखे की समस्या उत्पन्न हुई है अथवा किस जगह चक्रवात की विभीषिका दिखाई दी है। विद्यार्थियों में पर्यावरण असंतुलन तथा उसके प्रभाव के विषय को समझने के प्रति रुचि जागृत करने की आवश्यकता है, ताकि वे पर्यावरण को संतुलित करने एवं तार्किक रूप से उसका दोहन करने का महत्व समझें। उदाहरण के लिए विद्यार्थी घरों में बिजली पानी का
संवेदनशील होकर उपयोग करना सीख सकें। सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि स्कूल में या फिर वो विद्यार्थी दूसरों को भी शिक्षित करें कि किस प्रकार से हमें बिजली और पानी की बचत करनी चाहिए, इसे बर्बाद करने से बचाना चाहिए। अतः जो ज्ञान की बातें हम पुस्तकों में पढ़ाते हैं उन बातों को विद्यार्थियों को अपनी जीवन शैली में उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करें। पर्यावरण के संसाधन को बचाने के लिए विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी एवं समुदाय के लोगों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के संसाधन ही तो पर्यावरण अध्ययन के लिए अधिगम सामग्री होते हैं। पर्यावरण संसाधन और अधिगम संसाधन पर्यावरण अध्ययन के अटूट पहलू हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देखते हैं, चित्र में स्वच्छ भारत अभियान का एक पोस्टर है, एक पोस्टर जिसमें सभी लोग सफाई का कार्य कर रहे हैं, एक पोस्टर जो पेंटिंग जिसमें सब बच्चे आसपास की गंदगी को इकट्ठा कर रहे हैं और वातावरण में फैली गंदगियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थियों को छोटे छोटे सफाई अभियानों से जोड़कर रखना चाहिए। सामूहिक क्रियाकलापों से विद्यार्थियों में सफाई के उद्देश्य के प्रति रुचि व उत्साह जागेगा। शिक्षक भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान विषय पर निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा पोस्टर प्रदर्शनी का उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों के क्रियात्मक विकास के लिए विद्यालय परिसर एवं आस पड़ोस को स्वच्छ रखने की मुहिम छेड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि हमारे आसपास या ये कहिए मेरी एक सहेली ने मुझसे साझा किया कि किस प्रकार एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले छोटे बच्चे, मुश्किल से वह कक्षा 4 या 5 का स्टूडेंट रहा होगा, उसने कहा, आंटी आप ये कूड़ा यहाँ क्यों फेंक रही हैं, इस कूड़े को कहीं और जाके फेंकिए। मगर वो परिवार नया नया ही उस मोहल्ले में शामिल हुआ था, उसकी बात पे उसने गौर किया और उसने इस बात को बताया, उससे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा और उस दिन के बाद से उसने कभी भी कूड़े को अव्यवस्थित तरीके से नहीं फेंका। मगर आप सोच सकते हैं, सिर्फ वही बच्चा उस कॉलोनी का हिस्सा नहीं था, उसमें और भी बच्चे थे। मतलब कुछ बच्चे जागरूक होते हैं, कुछ बच्चों के स्कूल में जागरूकता फैली हुई है और उनका परिवार भी जागरूक है, तभी वो दूसरों को जागरूक करते हैं। मगर जो जागरूक नहीं है, हमें उन बच्चों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है और हमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी प्रकार के ज्ञान को दूसरों से शेयर करने या बांटने से में हिचकना कभी नहीं चाहिए। यह पर्यावरण सबका है, सबके लिए है और सभी को इसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। आप दूसरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, कार्टून के रूप में है, बच्चा गुल्लक रूपी एक प्याले को पकड़कर पानी की एक एक बूंदों का संचय कर रहा है, क्योंकि पानी अति महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण अति महत्वपूर्ण है। पानी हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी अवहेलना करना पृथ्वी को गर्त में ले जाने के बराबर ही है। जल भी सीमित है, पर रोज उपलब्ध हो जाने की वजह से विद्यार्थी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसी जल संकट के तथ्य को समझने के लिए विद्यार्थियों को ऐसे स्थानों का भ्रमण कराना चाहिए जहाँ पानी की कमी है और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई आदि राज्यों में, महानगरों में जहाँ पानी की भीषण किल्लत है, समस्या देखने को मिलती है। इस प्रकार के
दृश्य या तो ऑनलाइन या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से बच्चों को दिखानी चाहिए। उन्हें जल को सर्वोत्कृष्ट तरीके से खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि भविष्य में उन्हें जल से जुड़े संकट का सामना न करना पड़े। ऑक्सीजन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और पेड़ हमारे लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है। विद्यार्थियों से फलदार व छायादार वृक्षों का रोपण करवाना चाहिए। विद्यार्थियों का वृक्षों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपाय करने चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए तथा अर्थ दिवस या पर्यावरण दिवस के माध्यम से उन्हें नए नए कोटेशन से अवगत कराना चाहिए। विद्यालय के अंदर वृक्षारोपण कर सकते हैं या फिर प्रत्येक विद्यार्थी के नाम से एक गमले को विद्यालय में लगा सकते हैं। प्रत्येक गमले पर विद्यार्थी के नामकरण से उनमें अपनत्व की भावना आएगी और विद्यार्थी अपने पौधों से जुड़ाव महसूस करेंगे, जिसमें सिर्फ उनका संज्ञानात्मक विकास ही नहीं होता है बल्कि साथ में भावात्मक और क्रियात्मक विकास भी होता है। इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों के साथ लंबे समय तक रहती है। विद्यार्थियों को पौधों को दोस्त के रूप में देखना चाहिए तथा उनकी भी सालगिरह मनानी चाहिए। विद्यार्थियों को ऐसे अभियानों में भागीदारी के लिए सम्मानित करना चाहिए तथा समय समय पर पुनर्बलन के द्वारा प्रेरित करते रहना चाहिए। इस प्रकार सामूहिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा सकता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, सबसे पहला चित्र जिसमें जानवर के पेट में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के थैले हैं, जिसकी वजह से ही शायद उसकी मृत्यु हुई। शायद क्या, अवश्य ही उसकी मृत्यु प्लास्टिक को खाने के रूप में लेने से हुई है। और उसकी दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि आज हमारे कूड़े का 50% कह सकते हैं, या कूड़े का जो प्रतिशत है, जो हिस्सेदारी है, उसमें प्लास्टिक का सबसे बड़ा योगदान है। दूसरी अन्य चित्रों में आप देख सकते हैं कि हमें प्लास्टिक के थैलों का उपयोग कम से कम करना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो हमें पैसे से उसे खरीद के लेना चाहिए बैगों को, और हो सके जब भी हम शॉपिंग करने जाएं, जब भी हम कुछ खरीदारी करने जाएं, बेहतर यही होगा कि हम अपने साथ अपना कपड़े का बैग, जूट का बैग या जो उचित हो उस तरह के बैग को अपने साथ हमेशा लेके चलते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को पॉलिथीन से होने वाले दुष्परिणामों को सचित्र दिखाने व समझाते रहना चाहिए। वर्तमान समय में पॉलिथीन के अधिकाधिक प्रयोग से दुधारू पशुओं, विशेषकर गायों की मौत की खबरें अक्सर चर्चा में रहती है, इसलिए पॉलिथीन के प्रयोग को तत्काल प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को पॉलिथीन बैग्स का कम से कम उपयोग करने से होने वाले फायदे का लालच भी दिखाना चाहिए। विद्यार्थियों को सकारात्मक कदम उठाने पर सार्वजनिक रूप से सराहना करनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के लिए अधिगम संसाधन जुटाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें बृहद स्तर पर ही पहल करनी होगी। हम इसकी शुरुआत छोटे से छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं। अगर हम विद्यालय की चार दीवारी के अंदर की जगह का भी समुचित प्रयोग कर पाएँ तो भी इस प्रयास को कम नहीं आंका जा सकता है। समुदाय के लोगों का उपयोग, उनकी विशेषज्ञता के आधार पर अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु तथा अधिगम को संवर्धित करने हेतु किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्य करके सीखने हेतु समुदाय के विशेषज्ञों की सहायता, दिशा निर्देश के लिए सूक्ष्म चरण व सावधानियों को समझने के लिए ले सकते हैं। साथ ही समुदाय के विशेषज्ञ विद्यार्थियों में जागरूकता व अधिगम को पर्यावरण के प्रति प्रवृत्ति को बनाए रखने में मदद करेगा, क्योंकि अंतोगत्वा विद्यार्थी भी समाज का हिस्सा है। जो समाज में जाएगा
और समाज के लिए हितोपयोगी कदम उठाएगा। मानव जाति के द्वारा पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रबुद्ध नागरिक वर्ग को यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे प्रासंगिक वैज्ञानिक सूचनाएं सशक्त नीति निर्माण संबंधी निर्णयों को प्रभावित करती हैं। संसाधन जुटाने में समुदाय की प्रत्यक्ष भूमिका। इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार से विद्यार्थी का, शिक्षक का संसाधन जुटाने, क्योंकि हमें पता है कि पर्यावरण के तत्व ही पर्यावरण अध्ययन के लिए अधिगम संसाधन है, तो उन पर्यावरण को तत्वों को अगर हम बचाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम पर्यावरण में उपयोग होने वाले अधिगम संसाधन को जुटाने और उसकी सुरक्षा में मदद कर रहे हैं। अब आगे हम संसाधन जुटाने में समुदाय की प्रत्यक्ष भूमिका को देखेंगे। समुदाय की मदद से शिक्षक विद्यालय में अधिगम सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। प्रयोगशाला की सामग्री तथा उपकरणों के लिए सार्वजनिक अस्पताल, चिकित्सकों व सरकारी विद्यालय व विश्वविद्यालयों से संपर्क करके उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ हम इन बातों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय या फिर अस्पतालों में कुछ अनयूज्ड टेस्ट ट्यूब या बीकर्स होते हैं जो कि उनके लिए अनुपयोगी होते हैं, मगर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को उससे बहुत लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन बीकरों से वो द्रव्य मापन या अन्य प्रकार की प्रयोगों को कक्षा में अंजाम दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों की मदद से पुस्तक दान अभियान के तहत पुस्तकों का संग्रह कर सकता है। पुस्तक दान अभियान का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे उस कक्षा को पार कर चुके हैं, समझ लीजिए कि अगर एक बीएससी का छात्र जिसके लिए कक्षा 8 की पुस्तकों का कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, तो वो उन किताबों को स्वतः ही विद्यालयों को दान कर दे, या अगर दान का एक अभियान चल रहा हो उसमें दान कर दे। साथ ही साथ कुछ नावेल, कुछ कहानी की पुस्तकें, कुछ आविष्कार से संबंधित किताबें या तरह तरह की किताबें जो हम पढ़ लेते हैं, हमें उन्हें दोबारा पढ़ने की जब ज़रूरत नहीं होती है, या फिर जब हम ये चाहते हैं कि उन पुस्तकों से और भी लोग लाभान्वित हों, तो हम उन्हें दान दे सकते हैं। और इस प्रकार की पुस्तक दान अभियान शिक्षकों की बहुत ही अच्छी पहल होगी, जिसमें विद्यार्थियों के मदद से शिक्षक विद्यालय में पुस्तकालय का निर्माण कर सकता है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा संस्थाओं से, ग्राम पंचायत तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से पुस्तक या पुस्तकों के लिए अनुदान ले सकता है। शिक्षक विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की स्वच्छता एवं सुंदरीकरण के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों, सरपंच एवं समुदाय के लोगों को मदद के लिए आमंत्रित कर सकता है। शिक्षक गांव में पड़ी बंजर भूमि अथवा खाली पड़ी भूमि को चिन्हित करके अपनी आवश्यकता अनुसार खेल के मैदान या वृक्षारोपण के रूप में प्रयोग कर सकता है। इसके लिए शिक्षक सरपंच से आग्रह करके सरकारी जमीन के लिए सिफारिश भी करवा सकता है। विद्यालय के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा विभिन्न प्रकार के कोनों के साथ साथ एकत्रित की गई सामग्री व फाइलों की सुरक्षा का दायित्व समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों और सरपंच की सलाह लेकर गांव के चौकीदार को सौंपा जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि गांव का चौकीदार ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, अगर यह दायित्व कोई और जिम्मेदार व्यक्ति ले सकता है या सरपंच, शिक्षक, प्रधानाध्यापक समझते हैं कि इसका दायित्व गांव के किसी
व्यक्ति, बालक या विद्यार्थी को सौंपा जाए तो भी वह यह कर सकता है। आज की चर्चा में हमने संसाधन जुटाने में बच्चों और समुदाय की भूमिका को समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा विद्यालय को संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए समुदाय से किस प्रकार मदद ली जा सकती है। आज की चर्चा बस इतनी ही। अगली चर्चा पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।